Good morning, student. How are you? ऐसे क्लास सेवेंथ का चैप्टर सेवन पढ़ाने जा रहे हैं. आप घर पे सही ढंग से इसे देखेंगे. मदर टेरेसाया जन्मा दसमोत्तरी कौन बीसतीत में ईस्वीपदे अगस्त मासस्य षड्विंशतियां तारिकायां अस्कोपज नामक स्थाने मेसिडोनेशिया देशे अभवत. मदर टेरेसा का जन्म 19वीं शताब्दी ईस्वी के अगस्त महीना के 16 तारीख को एस्कोपज नामक स्थान में मेसिडोनिया में हुआ था. तस्य बाल्यावस्थाया नाम ए जन्म गुंजा बोझजीव आसीत. उनके बचपन का नाम ए जन्म गुंजा बोझजीव था. तस्य पितु नाम निकोला बोयानु आसीत. तस्य मातु नाम च द्राना बियानु आसीत. उसके पिता का नाम निकोला बियानु था और माता का नाम द्राना बियानु था. तस्य पिता कृष्णागरस्य व्यवसायी आसीत एवं यत्रासु लग्ना आसीत. उनके पिताजी एक कोयला के व्यवसायी था और यात्राओं में व्यस्त था. तस्य माता कुशला गृहिणी आसीत. उसकी माता अच्छी गृहिणी थी. स भातृ भगिनेषु कनिष्ठा आसीत. वह भाई और बहनों में सबसे छोटी था. एजेंस यदा नौवर्षीया आसीत तदा तस्य पिता द्विगतः. एजेंस जब 9 वर्ष के हुई तब उनके पिताजी मर गए. तस्य माता परिवारस्य भरण पोषणम करोत. उसके माता ने परिवार का भरण पोषण किया कि तस्य परिवार धार्मिक प्रवृत्ति आसीत. उसका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति की था. उसका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था. सा प्रतिदिन गिरजागृहम गच्छति स्म. वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाया करती थी. सायंकाले च ईसा मसीहाय पाटल पुष्पम अर्पयति स्म. शाम के समय वह ईसा मसीह को गुलाब अर्पित करती थी. सा गिरजागृहस्य उपदेशानां पालनं करोति स्म. वह गिरजाघर के उपदेशों को पालन करती थी. तस्य माता एना शिक्षितवती. उनके माता एक शिक्षित थी. तस्य अति कोमल स्वभाव आसीत. उनकी माता का स्वभाव बहुत ही कोमल था. संसारस्य भौतिक सुखम त्यक्तवती. वह संसार के भौतिक सुख को त्याग दिया. सा पुनर्जीवनम दीन दुखीनाम कृते समर्पितवती. वह उसने अपना पूरा जीवन दीन दुखियों को समर्पित कर दिया. सानिकेशु धार्मिकेशु निकाय के सुकार कृतवंती. उन्होंने अनेक धार्मिक और कार्य कर चुकी थी. चिकित्सालय च दीन दुखी नाम सेवा कृतवती. अस्पतालों में वह दीन दुखियों की सेवा करती थी. टेरेसा कोलकाता सेकेंडरी स्कूल इतस्य प्रधानाध्यापिका अभवत. टेरेसा जो है कलकत्ता में सेकेंडरी स्कूल का
प्रधानाध्यापिका हुई। तरेसा छात्रान केवलम भूगोलम इतिहासम च न पाठयति स्म अपितु च स चरित्र निर्माण से पाठम अपि पाठयति स्म। तरेसा केवल भूगोल और इतिहास ही नहीं पढ़ाती थी, मैंने विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण के पाठ भी पढ़ाया करती थी। सा बालकान बहु स्नेहम करोति स्म, वह बच्चों से बहुत स्नेह करती थी। तस्य छात्रान् माता इति पदेन संबोधयति स्म, उसके विद्यार्थी उन्हें माता कहकर संबोधित करते थे। सा संतप्तमान सांतर्त सप्तत्रिंशदुत्तरकोण विस्तीतमे कृष्णमंडे सितंबर मासस्य दस तारिखायां दरिद्रोमूलस्य पवित्रानुसारेण च व्रतं क्रियते। सन 1937 ईस्वी के सितंबर महीना के 10 तारीख को दरिद्रों को दुख को दूर करने के लिए उन्होंने व्रत रखी थी। सा ब्राह्मणते उत्थाय स्वकार्य पुण्यनिष्ठाय संलग्न भक्ति स्म, व ब्रह्म मुहूर्त में को जगाने के लिए पूर्ण निष्ठा में संलग्न रहता था। सर्वदा दृश्य शक्ति प्रार्थनां बलात् प्राप्नोति स्म, उन्हें यह शक्ति बचपनों में मिला था, प्रार्थना से मिला था। सा पश्चात प्रारंभक परिधानम विहाय शाटिकां धारवंती, और सारी चीज़ को त्याग कर सारी मानना करती थी। सा मानवताया सेवायाम तत्परा, वह मानवों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। मदर टेरेसा अतिपि भारतीय न आसी तथापि अस्माकं देशस्य दीन दुखिनां सेवां अकरोत। मदर टेरेसा तो भारतीय नहीं थी, फिर भी दीन दुखियों के सेवा किया। मदर टेरेसा एका कर्मनिष्ठा महिला आसी। मदर टेरेसा एक कर्मनिष्ठ महिला थी। सा मानवताया सत्य रूपम अपश्यत, उसने मनुष्यों को सही रूप देखा। सा भारतस्य निर्धनानां कृते सेवा कार्यम अचिनोत, उसने भारत के निर्धनों की सेवा करने को चुना। जननां कल्याणाय च सत्वम ईश्वरम स्मरति स्म, लोगों को कल्याण के लिए वह 100 बार ईश्वर से स्मरण करती थी। तस् विश्वास आसीत यत् प्रार्थनाया एकाग्रता विश्वास ऊर्जा च प्राप्यन्ति इति, उनका विश्वास था कि प्रार्थना से एकाग्र विश्वास और ऊर्जा प्राप्त होते हैं। स प्रसन्नतापूर्वक निर्धनाम जननाम सहायतायाम करोति स्म, वह खुशी से गरीबों को सहायता किया करती थी। यह महिला अस्माकं कृते प्रेरणा स्रोत अस्ति, यह महिला हमारा इनसे प्रेरणा स्रोत मिलता है। स अस्मान प्रेरयति स्म, यह हमें प्रेरित करता है। तया लोका दानो परोपकाराय च प्रतिक्रियते स्म, वे हमें लोगों को दान और प्रोप करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल मैं इस पाठ को पढ़ा करके लिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।